पावरफुल नौकरशाह रहे अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता विकास तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये मुकदमा भोपाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया है। गौरतलब है कि विकास तिवारी ने मुख्य सचिव के नाम भेजे गए पत्र में अमन सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शिकायत की थी। वहीं उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। अमन कुमार सिंह और यास्मीन सिंह की मानहानि मुकदमा दायर किए जाने के पीछे इस पत्र को ही आधार बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छवि धूमल करने के लिए झूठी और निराधार शिकायत की गई है। विकास तिवारी ने सोशल मीडिया पर इसे प्रशासित कर दिया था और न्यूज चैनल के इंटरव्यू में झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जिसका प्रसारण देश भर में किया गया। अमन कुमार सिंह ने यह आरोप लगाया है कि विकास तिवारी ने जानबूझकर झूठे आरोप लगाए हैं, इससे मानहानि हुई है, बरसों मेहनत कर बनाई गई छवि खराब हुई है। तेईस तारीख को होने वाले मतगणना को